चोरी की बाइक से लूट की वारदात को दिया गया था अंजाम। श्रावस्ती थाना क्षेत्र में सोमवार को हुई लूट मामले में मंगलवार को भी पुलिस के हाथ खाली रहे। पुलिस उस गन्ने की खेत की कामबिल कर रही है जिसमें लुटेरे रुपए लूटकर भागकर छिप गए थे। हालांकि पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है कि बदमाशों की जो बाइक घटनास्थल से बरामद हुई वो चोरी की है। वहीं डीआईजी गोंडा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। लूट की सूचना के बाद मंगलवार को डीआईजी गोंडा देवीपाटन मंडल रेंज उपेंद्र कुमार अग्रवाल श्रावस्ती पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर मौके की जांच की। डीआईजी ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की और घटना का जल्द खुलासा करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मोर, पुलिस क्षेत्राधिकारी कोना एमपी शर्मा, नवीन मार्डन, पुलिस थाना प्रभारी निरीक्षक रामपाल यादव सहित भारी मात्रा में पुलिस टीम मौजूद रही। नवीन मार्डन पुलिस थाना प्रभारी रामपाल यादव ने बताया कि लूट में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल जिला अस्पताल बहराइच से चोरी की गई है जिसकी रिपोर्ट नगर कोतवाली में दर्ज है। घटना से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा रही है। कुछ लोगों पर पुलिस नजर बनाए हुई है। बहुत ही जल्द लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। नवीन मार्डन पुलिस थाना श्रावस्ती क्षेत्र के महादैया में दो बदमाशों ने रिकवरी एजेंट से दिन दहाड़े करीब 75,000 रुपए लूट लिए थे। एजेंट के शोरगुल मचाने पर बदमाश बाइक छोड़कर गन्ने के खेत में घुस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गन्ने के खेत में कामबिल शुरू की। वहीं पुलिस अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर ड्रोन कैमरे से सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन बदमाश फरार होने में सफल रहे। अयोध्या के मवई थाना क्षेत्र निवासी संतोष तिवारी पुत्र सुरेंद्र तिवारी बलरामपुर में रिकवरी एजेंट के रूप में काम करते हैं। कंपनी का बकाया राशि मादैया दशियापुर से वसूली करके वापस बलरामपुर जा रहे थे, तभी मादैया और लोनियनपुरवा गांव के पास पीछे से एक बाइक सवार दो बदमाशों ने ओवरटेक करके संतोष तिवारी को रोक लिया और असलहे की नोक पर रुपये लूट लिए थे। संतोष तिवारी की तहरीर पर पुलिस ने लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया है।